नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो सभी बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी अपडेट आगे से वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो गोदी मीडिया आपको खबरें नहीं दिखाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन होता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग बिहार के चुनाव में किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों का गुस्सा पराली पर। 5 नवंबर को पंजाब का धुआं दिल्ली तक, मोदी सरकार में मचा है हड़कंप। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, 5 नवंबर को आग पंजाब के खेतों में लगेगी जिसका धुआं दिल्ली तक जाएगा। केंद्र के कृषि विधेयकों के विरोध में 5 नवंबर को देश भर के 130 से भी अधिक किसान संगठनों ने जहां 4 घंटे के लिए देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है, तो वहीं पंजाब के किसान खेतों में सरेआम पराली जला करके अपने गुस्से का इजहार करेंगे। पिछले 40 दिन से रेलवे ट्रैक जाम करने वाले पंजाब के किसानों ने 5 नवंबर को पूरे प्रदेश में अपने खेतों में पराली जलाने का ऐलान किया है क्योंकि मोदी सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये यहां पर आरोप लगाया है पंजाब के किसानों ने। देख सकते हैं दोस्तों, देश भर के किसान अब मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और मोदी सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है कृषि कानूनों पर। दोस्तों अगर आप लोग भी मोदी सरकार को किसान विरोधी सरकार मानते हैं तो किसानों के समर्थन में अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं, बिहार में मोदी बोले, मां तुम्हारा बेटा दिल्ली में बैठा है। लोग बोले, सड़क पर भूखे प्यासी मां तड़प रही थी, तब तुम आखिर कहां थे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार के चुनावों में इस बार नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों में इतना दम नहीं दिख रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह बिहार के लोगों का गुस्सा बताया जा रहा है। लॉकडाउन से लेकर बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट पर सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात की थी जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है, फिर लॉकडाउन में पैदल चलकर आए बिहार वासियों का गुस्सा तो भाजपा और सहयोगी जेडीयू के लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी ने छपरा में जनसभा को संबोधित किया जिसमें उन्होंने छठ पूजा को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि माँ तुम छठ पूजा की तैयारी करो, तुम्हारा बेटा दिल्ली में बैठा है। इस बयान पर काफी सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल तो नरेंद्र मोदी के खुद बोले बयान पर उठ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कोरोना से लड़ने के लिए एक मंत्र दिया था, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। फिर प्रधानमंत्री चुनावी रैली में ऐसे कैसे छठ पूजा की तैयारी की बात बोल सकते हैं। फिर दूसरा सवाल, सोशल मीडिया पर लोग लॉकडाउन को लेकर के उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि इन मांओं का ख्याल प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान क्यों नहीं रखा था, जब वह हजारों सैकड़ों किलोमीटर भूखी प्यासी पैदल घर की तरफ चल रही थी। ट्रेन की पटरी से लेकर सड़क हादसों में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, भूख प्यास से बेहाल हो गई। इन मांओं की याद प्रधानमंत्री मोदी को तब क्यों नहीं आई। ट्रेनें खाली खड़ी थी, बसें खड़ी थी, प्लेन खड़े थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का कोई भी इंतजाम नहीं किया। तो वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने आगे कहा है कि माँ तुम्हारा बेटा दिल्ली में बैठा है, इसलिए आपको दिल्ली से पैदल बिहार आना पड़ा था क्योंकि तुम्हारा तथा कथित बेटा निकम्मा निकला। उसने अपने लिए तो 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीद लिया पर आपको घर पहुंचाने में असमर्थ था। ये यहां पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से खिंचाई हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की उनके ही द्वारा दिए गए बयान पर। इस खबर पे दोस्तों आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप लोगों की राय इस खबर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार चुनाव दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव ने पुलिस कर्मियों के लिए की है बड़ी घोषणा, एनडीए खेमे में मची है खलबली। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को विस्तार से बताते चलिए। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। दूसरे चरण के मतदान से पहले महागठबंधन के तरफ से सीएम पद के उम्मीदवार और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो पुलिस कर्मियों के रिटायरमेंट की उम्र
सीमा बढ़ाई जाएगी हमारी सरकार के द्वारा। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जी ने एक फरमान जारी किया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट देने की बात कही गई है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि वह खुद 70 साल से भी ज्यादा के हो चुके हैं लेकिन इस बार जनता उनको रिटायर करने जा रही है। हमारी सरकार बनेगी तो रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाएंगे। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के द्वारा की गई इस नई घोषणा से विरोधी खेमे में खलबली सी मच गई है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। तेलंगाना, भाजपा उम्मीदवार के रिश्तेदार से पुलिस ने जब्त किए हैं 1 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला जान लेते हैं। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना में डुब्बाक विधानसभा उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार एम रघुनंदन राव के एक रिश्तेदार के घर से 1 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की है। शहर के बेगमपेट फ्लाईओवर के पास हैदराबाद पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी जब्त की है। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त अंजनी कुमार ने कहा है कि 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले मतदाताओं के बीच बांटने के लिए पैसे ले जाए जा रहे थे जिसका यहां पर देख सकते हैं भयंकर खुलासा हुआ है। अब बीजेपी चौतरफा घिर चुकी है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदंबरम की विपक्षी दलों को नसीहत, भरोसा करें भाजपा को हम हरा सकते हैं, ये रहा सबूत। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने विपक्षी दलों को नसीहत दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पी चिदंबरम ने विपक्षी दलों से कहा है कि भाजपा को हराया जा सकता है। आंकड़ों के माध्यम से यह बात उन्होंने ट्वीट करके कही है। पी चिदंबरम ने आगे कहा है कि विपक्षी पार्टियों को यह भरोसा करना ही होगा कि भाजपा को अब हराया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि बिहार चुनाव के परिणामों से मेरी यह बात साफ भी हो जाएगी। पी चिदंबरम ने अपनी बात के समर्थन में बीते साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी के जीत के गिरते हुए ग्राफ के आंकड़े भी पेश किए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि 2019 के बाद से इन क्षेत्रों में चुनाव या उपचुनावों में भाजपा उम्मीदवारों ने 381 में से केवल 163 में ही जीत हासिल की है। किसने कहा कि भाजपा को हराया नहीं जा सकता है? विपक्षी दलों को यह विश्वास करना ही होगा कि वे भाजपा को हरा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि बिहार में यह साबित भी होगा। इसके बाद पी चिदंबरम ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद 381 राज्य विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव 330 तो वहीं उपचुनाव 51 पर हुए हैं जहां भाजपा उम्मीदवार थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों ने इन 381 विधानसभा क्षेत्रों में से 319 जीते थे। ये यहां पर देख सकते हैं तमाम बातें कही हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने और भरोसा जताया है कि इस बार बिहार में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला, कहा देश की नींव को कमजोर करने वाले हैं नए कृषि कानून। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र के द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों को किसानों, मजदूरों तथा देश की नींव को कमजोर करने वाला बताते हुए भरोसा जताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कानूनों पर पुनर्विचार करेंगे। आप लोगों को आगे बताते चले, राहुल गांधी ने कहा कि देश में कोविड महामारी तेजी से फैल रही है, ऐसे समय में जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा, इन सबको सबसे ज्यादा कठिनाई होती है। उन्होंने कहा कि देश में किसान की हालत के बारे में सभी को जानकारी है, किसानों की आत्महत्या की खबरें मिलती रहती हैं। एक तरह से देश ने स्वीकार कर लिया है कि किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन हमें स्वीकार नहीं करना है। हमें किसान, मजदूर, छोटे दुकानदारों की रक्षा करनी चाहिए, उनके साथ मिलकर के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि किसान और मजदूर इस देश की नींव है। अगर वह कमजोर होंगे तब यह नींव कमजोर होगी, यदि हम उनकी रक्षा करते हैं तब देश मजबूत होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा कि मुझे दुख हो रहा है कि देश में किसानों पर आक्रमण किया जा रहा है सरकार की तरफ से। यहां पर देख सकते हैं एक बार फिर से राहुल गांधी ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को कृषि कानूनों पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चले, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव कई मामलों में मजबूत हालत में बिडेन, कोरोना के मोर्चे पर नाकामी ट्रंप को पड़ सकती है महंगी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव एक प्रतियोगी के लिए दुनिया का सबसे
बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, यह 30 करोड़ मतदाताओं वाला निर्वाचन क्षेत्र है। इसमें 3 नवंबर तक लगभग 15 करोड़ लोगों के वोट देने की उम्मीद है। कोरोना वायरस महामारी के कारण विशेष मतदान व्यवस्था के तहत लगभग 50% लोग पहले ही अपना मत डाल चुके हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चलें, CNN के पोल ऑफ पोल के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले जो बिडेन को 10% की बढ़त हासिल है। CNN ने यह नतीजा द न्यूयॉर्क टाइम्स, सरकारी प्रसारक PBS, NBC, वॉल स्ट्रीट जनरल और ABC, वॉशिंगटन पोस्ट समेत विभिन्न एजेंसियों के सर्वेक्षणों को ध्यान में रखते हुए निकाला है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, RJD अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का PM मोदी पर डबल इंजन से पलटवार, पूछा मजदूरों को वापस लाने के वक्त कहां था डबल इंजन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पिछले 3 दशक में पहली बार बिहार के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वे नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और BJP पर हमला लगातार बोलते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि यह डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रबल इंजन है, लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने के वक्त डबल इंजन आखिर कहां था। RJD के प्रमुख लालू प्रसाद यादव की ओर से बिहार में डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन की टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी की एक टिप्पणी के बाद सामने निकल के आई है। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों, बिहार चुनाव दूसरे चरण के लिए थमा प्रचार का शोर, 3 नवंबर को वोटिंग, 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार में होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार का दौर थम चुका है। आखिरी दिन सभी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने जमकर के सभा को संबोधित किया है, जहां PM मोदी ने 4 रैलियों को ही संबोधित किया, तो वहीं तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ 15 रैलियों को संबोधित किया है, तो वहीं चिराग पासवान ने इस दौरान 8 जनसभाओं को संबोधित किया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं, समाजवादी पार्टी ने कसा योगी सरकार पर तंज, कहा बस कानून बना रहे हैं, कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने CM योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के ऐलान पर तंज कसते हुए कहा है कि योगी केवल कानून बना रहे हैं और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब हो रही है। तो वहीं सरकार पर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग और पार्टी कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों का उत्पीड़न करने के आरोप लगाते हुए राम गोविंद चौधरी ने दावा किया है कि इसके बावजूद सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मजबूत स्थिति में है और जीतेंगे चुनाव। यह पूछे जाने पर कि क्या सपा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की शिकायत चुनाव आयोग से करेगी, उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग सहित सभी संवैधानिक संस्थाओं पर BJP का ही कब्जा हो गया है, लिहाजा शिकायत करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, राम गोविंद चौधरी ने योगी सरकार के साथ ही चुनाव आयोग को भी लिया है निशाने पर और कहा कि चुनाव आयोग के साथ ही सभी संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा का ही कब्जा है। ये यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जोरदार हमला किया है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।